दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने बॉलिंगर बैंड की स्ट्रैटेजी को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज की इस वीडियो में हम सेम स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने वाले हैं। क्या रिजल्ट ओवरऑल रहेगा, हमें कितनी आईटीएम मिलती है, कितनी ओटीएम मिलती है, ये चेक करते हैं। हमारा जो इनिशियल बैलेंस है फिलहाल आप देख सकते हैं लाइव अकाउंट में, वो 5 ट्रेड के बाद बढ़ता है या घटता है, क्या सिनेरियो रहता है, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एंट्री किस बेसिस पे मैंने ली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना आप लोगों के लिए मस्ट होने वाला है, जरूर देखना। लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अगर आपको वीडियो पसंद आती है। तो फर्स्ट एंट्री पे आते हैं। यहां पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं $100 की ट्रेड है। हमें पता है कि बॉलिंगर बैंड की स्ट्रेटजी में अगर हमें अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लेना होता है तो 3 कंडीशन मस्ट होती है, स्टोकेस्टिक ऑक्सिलेटर RSI और डबल बॉलिंगर बैंड का जो स्टैंडर्ड है वो मेट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर कंडीशन पे देखते हैं तो रेड कलर की एक कैंडल ने हमारे लोअर बॉलिंगर बैंड के लेवल को क्रॉस किया है, देन हमें मिलता है एक ग्रीन कलर का कैंडल। एंड सेम अगर हम जाते हैं स्टोकेस्टिक ऑक्सिलेटर की कॉन्फर्मेशन के साथ तो यहाँ पे हमें 2 ट्रेंड लाइन कॉन्टिन्यूसली अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है। एंड अगर हम जाते हैं RSI की तरफ तो वो भी हमें अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, जो कि लोअर लेवल ऑफ RSI को क्रॉस करके ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है। तो इस ट्रेड को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं रिजल्ट के ऊपर। और एक और बात बता देता हूँ, ये जो ट्रेड है वो 5 मिनट की है, यानी कि 1 मिनट का टाइम सेट है हमारे चार्ट का। और नेक्स्ट 5 कैंडल्स के लिए मैंने ट्रेड ली है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है एक्सप्लेनेशन की अबाउट दिस स्ट्रैटेजी, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके पहले वो देखें, उसके बाद ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो काफी बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा फर्स्ट ट्रेड से हमें प्रॉफिट हो गया है। अब हम जाते हैं सेकंड कॉन्फर्मेशन के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको पेशेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है। आपको जल्दी जल्दी सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, आपको करेंसी पेयर स्विच करते रहने पड़ेंगे एंड आपको सिग्नल ढूंढते रहने पड़ेंगे। ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन मेरा हमेशा से आप लोगों को कहना रहा है, अगर आप पूरे दिन में सिर्फ 5 ट्रेड लेते हैं और वो ज़्यादा अच्छी कॉन्फर्मेशन के साथ लेते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है आपकी 20 ट्रेड से जो आप विदाउट कॉन्फर्मेशन लेते हैं। सो गाइज, लास्ट सिग्नल जो हमने लिया था वो था बाय कॉन्फर्मेशन के लिए। अब हम सिग्नल लेने वाले हैं सेल कॉन्फर्मेशन के लिए। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर की कैंडल ने अपर बॉलिंगर बैंड की लेवल को क्रॉस किया है, उसके बाद हमें मिलता है रेड कलर का कैंडल जो कि हमारा फर्स्ट कॉन्फर्मेशन है। फिर हम जाते हैं स्टोकेस्टिक की तरफ तो वो भी हमें पूरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये 80 के लेवल से ऊपर होता है एंड RSI भी हमारा ऊपर होता है, ऊपर की तरफ से फॉल करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग सिग्नल। तो इस कंडीशन में हमने जो ट्रेड लिया है वो लिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लक्चुएशंस बहुत थे, बट उसके बावजूद भी हमें लास्ट ट्रेड पे प्रॉफिट हो गया। तो कंटिन्यूअसली 2 ट्रेड्स अभी तक हमारी आईटीएम है। नेक्स्ट सिग्नल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की कैंडल ने हमारे अपर बॉलिंगर बैंड को क्रॉस किया है, उसके बाद जो क्लोजिंग है वो भी ऊपर ही है। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं छोटा सा एक ग्रीन कलर का कैंडल फिनिश हुआ है और रेड कलर का कैंडल अभी फॉर्म हो रहा है। इस कंडीशन में हमें जो ट्रेड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए लेनी चाहिए, मतलब सेल और पुट का जो सिग्नल है वो हम यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन हमें जो कॉन्फर्मेशन चाहिए वो स्टोकेस्टिक ऑक्सिलेटर और RSI की तरफ से भी चाहिए, जो कि फुलफिल हो रही है। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, हमने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कॉन्फर्मेशन को लेके, वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स मेट हो रही है और अब हम लेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड। सो गाइस, लास्ट ट्रेड भी काफ़ी क्लोज रही और हमें प्रॉफिट हो चुका है। अब नेक्स्ट कॉन्फर्मेशन पे आते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एक ग्रीन कलर की कैंडल ने हमारे अपर बॉलिंगर बैंड को क्रॉस किया है एंड देन सेम वही कहानी रिपीट, एक रेड कलर की कैंडल हमें मिलती है फॉर द कॉन्फर्मेशन। अगर हम जाते हैं स्टोकेस्टिक ऑक्सिलेटर की तरफ तो यहाँ भी हमें कॉन्फर्मेशन मिलता है, RSI की तरफ तो यहाँ भी हमारा कॉन्फर्मेशन स्ट्रांग है। इसे हम एक स्ट्रांग सिग्नल बोल सकते हैं। अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो इन बिटवीन द स्ट्रैटेजी एंड लाइव टेस्टिंग, तो मुझे लगता है आपको प्रीवियस वीडियो एक बार फिर से जाके चेक करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और एक और चीज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो यार अभी कर लो, किसका वेट कर रहे हो, क्योंकि सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पे ही आपको मिलते हैं। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ये सिग्नल लेने से पहले ही बताया था, ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन है और हमने जो प्रॉफिट किया है वो भी काफी गैप से किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्फर्मेशन के ऊपर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एक रेड कलर की कैंडल ने क्रॉस किया है हमारे लोअर बॉलिंगर बैंड को और अब हमें कॉन्फर्मेशन मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड के लिए, जो कि हमें देता है ये ग्रीन कलर का कैंडल जो कि ऊपर फिनिश हुआ है हमारे लोअर बॉलिंगर बैंड से। तो दोस्तों अब हम जाते हैं हमारे सॉकेस्टिक ऑक्सिलेटर NRSI की तरफ, जो कि सेम अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है लोअर लाइन को, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने लास्ट ट्रेड भी प्रॉफिट में क्लोज कर दी है और हमारा जो टोटल प्रॉफिट है आज के इस सेशन का, इस टेस्टिंग का, वो रहा है $400 फ्रॉम लाइव अकाउंट। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, आपको स्विच करते रहना पड़ेगा अपनी करेंसी पेयर्स को ताकि आपको अच्छा सिग्नल मिले और कॉन्फर्मेशन के साथ मिले। सो गाइज, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा, लाइक कॉमेंट एंड शेयर आपने कर दिया होगा एंड टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चले मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।